दोस्तों, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये एक देश के द्वारा एक साल के अंदर तैयार होने वाले सभी प्रकार के सामानों और सेवाओं की कुल मार्केट वैल्यू होती है। यानी एक देश की नॉमिनल जीडीपी ये बताती है कि किसी देश ने एक साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इस समय दुनिया में 195 रिकॉग्नाइज्ड देश हैं और इन सभी देशों की टोटल कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। लेकिन दुनिया के महज 10 देशों में ही दुनिया की इस टोटल जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा पाया जाता है। और इस वीडियो में हम इस समय दुनिया में टॉप 10 सर्वाधिक नॉमिनल जीडीपी रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी कौन सी है, अमेरिका या चाइना? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ब्राजील, जिसकी नॉमिनल जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। ब्राजील दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश और सातवां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ब्राजीलियन इकोनॉमी एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राजील की सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। साथ ही ब्राजील दुनिया का 10वां और लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद नंबर 9 पर है इटली। लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नॉमिनल जीडीपी वाले इटली की वर्तमान आबादी 6 करोड़ पहुंचने वाली है। इटालियन इकोनॉमी एक हाईली डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी है, जो कि यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इटालियन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। नंबर 8 पर है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी पॉपुलेशन महज 3.8 करोड़ ही है और ये 2.2 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैनेडियन जीडीपी एक हाईली डेवलप्ड मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। इसके बाद नंबर 7 पर है फ्रांस। 2.9 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रेंच जीडीपी भी एक हाईली डेवलप्ड मार्केट ओरिएंटेड जीडीपी है, जिसमें इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। फ्रांस दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में से एक है। इसके बाद नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। यूके एक हाईली डेवलप्ड सोशल मार्केट और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल वैल्यू के साथ दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें सबसे बड़ा योगदान यूके की सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। यूके दुनिया की मोस्ट ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। इसके बाद नंबर 5 पर है इंडिया। 3.5 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी यूके के साथ रैंकिंग बदलती रहती है। भारत एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमिक कैटेगरी में आता है, जिसके जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस, फिर इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर से होता है। हालांकि भारत परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और 7वें सबसे बड़े देश के लिए यह जीडीपी पर्याप्त नहीं, जिसके चलते भारत जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग में 141 देशों से भी पीछे है। इसके बाद नंबर 4 पर है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ जर्मनी। जर्मनी एक हाईली डेवलप्ड सोशल मार्केट इकोनॉमी है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जर्मन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। जर्मनी की जनसंख्या महज 8.5 करोड़ है। इसके बाद नंबर 3 पर है जापान। 12.5 करोड़ की जनसंख्या रखने वाले जापान की नॉमिनल जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है, जो कि इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाती है। जापानीज अर्थव्यवस्था एक हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन मार्केट पर नहीं होता।
जापानीज इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की जबरदस्त नॉमिनल जीडीपी के दम पर इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चाइनीज इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है, 60% से ज्यादा। प्राइवेट कैपिटल के साथ ये एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है। चीन परचेजिंग पावर पैरिटी में अमेरिका से भी आगे आता है। साथ ही चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश भी है। इसके बाद नंबर 1 पर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नॉमिनल जीडीपी के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिकन जीडीपी एक हाईली डेवलप्ड लिबरल कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान इनके सर्विस और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी वाला देश है। हालांकि परचेसिंग पावर पैरिटी में अमेरिका चीन से भी पीछे है, लेकिन ओवरऑल नेटवर्थ यानी दौलत में अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान देश है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रहे दुनिया में टॉप 10 सबसे ज्यादा नॉमिनल जीडीपी रखने वाले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश। आगे आप किन देशों की टॉप 10 रैंकिंग देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।